इंदौर में प्रशासन ने एक बार फिर से भूमाफियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला प्रशासन और नगर निगम के अमले ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिरपुर इलाके में बन रही अवैध कॉलोनी को धराशायी कर दिया। प्रशासन का अमला कार्रवाई करने पहुंचा तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम की टीम ने 2 घंटे के भीतर बन रहे सभी अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। इधर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक उन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में कुछ भूमाफियों के द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा करने और अवैध कॉलोनी काटने और इसकी बिक्री करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि शहर में अवैध कब्जे और भूमाफियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सिरपुर क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद जल्द ही शहर के अन्य इलाकों में भी भूमाफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देखिए, सिरपुर क्षेत्र में खासतौर पर एयरपोर्ट से लगा हुआ जो एरिया है, वहाँ पे मुझे पिछले 6-7 दिनों से शिकायत मिली थी कि कुछ कतिपय 3-4 अराजक तत्व हैं जिनके द्वारा 3-4 जगहों पर अवैध कॉलोनी काटने का काम किया जा रहा है, और खासतौर पर जो शासकीय ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, उस पर भी इस प्रकार का काम हो रहा है और उस पर निर्माण भी चालू हो गए हैं। तो आज हम लोगों ने पूरी नगर निगम की टीम सुबह से ही लगाई है और 3 या 4 जगहों पर आज हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो मेरी जानकारी है, लगभग 15-20 के आसपास जो निर्माण हो रहे थे उनको हम लोग तोड़ चुके हैं और शाम तक ये संख्या जो है वो 50 से 100 तक भी पहुंच सकती है। कुल मिलाकर जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है उनको तो हटाएंगे ही, लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं, जो लोग ये प्लॉट बिक्री का काम कर रहे हैं, कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और शासकीय ज़मीन पर अगर इस प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी तो अगर आवश्यकता पड़ी तो उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी हमारे द्वारा करी जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।